What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to YFL. चिकन दम बिरयानी बना रहा हूँ आज। अब ये रेसिपी बहुत टाइम से पेंडिंग है YFL पे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे। आज जो बिरयानी बना रहा हूँ वो पक्की स्टाइल की बिरयानी बना रहा हूँ, यानी कि चिकन कुक करेंगे, राइस को कुक करेंगे और फिर लेयर करके ये चिकन बिरयानी बनेगी। बहुत ही डिलिशियस बनती है ये बिरयानी का टेस्ट, अरोमा और चावल, सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट बनेगी। वो जो कंप्लेन आती है चावल टूट जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते, तो इस रेसिपी में सारे टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही ब्यूटीफुल चिकन दम बिरयानी बनती है। इस चिकन बिरयानी के लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने स्विगी इंस्टामार्ट से मंगाए हैं, जो स्विगी ऐप पर अवेलेबल है। अब स्विगी इंस्टामार्ट की खास बात यह है कि आप घर बैठे बैठे 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, बेवरेजेस, नमकीन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो और कुछ ही मिनट्स में आपके घर पर डिलीवर हो जाती है। ये सुबह 6 बजे से देर रात तक आपको डिलीवर करते हैं। तो मेरे इंग्रेडिएंट्स तो फटाफट आ गए हैं बिरयानी के, सारा प्रेप रेडी है। सबसे पहले बिरयानी के लिए क्रिस्पी प्याज बनाने होते हैं, जिसे बिरिस्ता कहते हैं, उसकी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले बिरिस्ता बनाने के लिए 1/2 किलो प्याज ले लिया है मैंने। प्याज को छील कर आपको हाफ में कट कर लेना है, फिर आपको इस तरीके से लेंथवाइज कट करना है, ना कि ऐसे। प्याज को अभी स्लाइस कर लीजिए। आपको प्याज की जो थिकनेस है वो ज़्यादा थिक भी नहीं रखनी है और ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है। तो आप देख सकते हो मैंने ये वाली थिकनेस में प्याज को काट लिया है। अब प्याज को काटने के बाद आपको इसके जो लेयर्स हैं उनको अलग अलग कर लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बिरिस्ता फ्राई करने के लिए। इस तरीके से लेयर्स को अलग अलग कर लीजिए और आपको इस तरीके के ऐसे लेयर्स मिल जाएंगे। तो इसी तरीके से सारा प्याज काट लीजिए और आपका अभी जो प्याज है वो फ्राई करने के लिए रेडी हो गया। अब बिरिस्ता को फ्राई करने के लिए तेल मैंने गर्म कर रखा है। 135 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गर्म तेल आपको नहीं लेना है। एक बार आपका तेल गर्म हो जाए तब इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं तेल की जो क्वांटिटी है बस प्याज के लेवल तक है, थोड़ी नीचे भी होगी तो चलेगी, बहुत ज़्यादा तेल आपको नहीं लेना है। अब आपको प्याज को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। इनिशियली प्याज को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक कि प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन कलर का नहीं हो जाता है। लेकिन बिरिस्ता बनाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, प्याज में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, यानी कि पानी होता है, उसे हमें धीरे धीरे प्याज से निकालना है। धीरे धीरे जब ये प्याज से निकलेगा तब आपका जो प्याज है एकदम क्रिस्पी फ्राई होएगा और आपका बिरिस्ता एकदम परफेक्ट बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेम्परेचर कंट्रोल करना है। अगर आपको कोई भी मोमेंट पे ऐसे लगता है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो फ्लेम को थोड़ा सा धीमे कर दीजिए और आराम आराम से प्याज को फ्राई कीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको बिरिस्ता फ्राई करने के लिए। तो धीरे धीरे बीच बीच में स्टर करते हुए प्याज को आप 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने ऑलमोस्ट 15 मिनट तक प्याज को अच्छे से फ्राई किया है आराम आराम से। आप देख सकते हो कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। इस स्टेज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेना है और आपको तब तक ही फ्राई करना है जब तक जस्ट लाइट गोल्डन ब्राउन इस बिरिस्ता का कलर हो जाएगा। अगर आपने डार्क ब्राउन तक तल दिया तो आपकी बिरिस्ता जल जाएगी, क्योंकि जब भी आप बिरिस्ता को बाहर निकालेंगे तब बिरिस्ता में जो तेल होगा गर्म वाला वो और ज़्यादा कुक कर देगा प्याज को। इसको कैरी फॉरवर्ड कुकिंग बोलते हैं और आपका बिरिस्ता ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जब भी आपका प्याज इस रंग का हो जाए फटाफट से प्याज को तेल से बाहर निकालिए। एक चम्मच लेकर हल्का हल्का दबाकर थोड़ा सा तेल इसमें से निकाल दीजिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तेल निकालने के बाद एक टिश्यू पेपर के ऊपर ये बिरिस्ता को फैला लीजिए अच्छे से। तो टिश्यू पेपर पे डाला प्याज को फोर्क की मदद से हल्का हल्का इसको फैला लीजिए, एक दूसरे से दूर कर दीजिए और आपको चाहिए तो ऊपर से भी एक टिश्यू से थोड़ा थोड़ा डैब कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने जब भी प्याज को निकाला था और अभी इसका जो कलर है थोड़ा हल्का सा बदल गया है। 5 से 6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रेस्ट होने दीजिए और अब आप देख सकते हो हमारा बिरिस्ता एकदम परफेक्ट वाला बन गया है, एकदम क्रिस्पी बना है और इससे हमारी बिरयानी बहुत अमेजिंग बनेगी। तो बिरिस्ता कैसे बनता है बिरयानी बनाने के लिए वो मैंने आपको एकदम डिटेल में भी बता दिया है। अगर आपको ये पूरा प्रोसेस नहीं करना है, रेडीमेड भी बिरिस्ता मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन फ्रेश घर पे बनाया हुआ बिरिस्ता का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये जो तेल है इसमें प्याज का काफ़ी फ्लेवर होता है, तो ये थोड़ा सा तेल मैं बिरयानी में भी यूज़ करने वाला हूँ, इसे फेंकना नहीं है। और आप बाकी भी सब्जियाँ बनाते वक्त इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हो, ये तेल आपका ख़राब नहीं हुआ है, तो ये नोट कर लीजिए। अब घर पर जब भी मैं बिरयानी बनाता हूँ तो मेरे घर वाला बिरयानी का मसाला बनता है एकदम फ्रेश वाला, उससे बिरयानी बहुत ही अमेजिंग बनती है। अगर आप थोड़ी मेहनत नहीं करना चाहते बिरयानी मसाला बनाने के लिए तो आप रेडीमेड भी बिरयानी का मसाला यूज़ कर सकते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। मैं हमेशा बनाता हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, एकदम फटाफट से बन जाता है ये वाला बिरयानी मसाला। तो देख लेते हैं होममेड बिरयानी मसाला कैसे बनाना है।
खड़े मसालों को भूनने के लिए एक पैन को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लीजिए। एक बार आपका तवा जो है गरम हो जाए, इसकी फ्लेम को एकदम धीमे कर दीजिए। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून शाहजीरा, 2 टेबलस्पून हरी इलायची, 5 से 6 बड़ी इलायची, 3 इंच दालचीनी, 1 टेबलस्पून साबुत काली मिर्च, 7 से 8 तीखी वाली लाल मिर्च, 7 से 8 तेज पत्ते, 2 टीस्पून लौंग और 3 जावित्री। ये सारे मसाले डालकर आपको धीरे धीरे एकदम हल्की आंच पर इन मसालों को भूनना है। मसालों में से हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जानी चाहिए और हल्के हल्के आपके जो मसाले हैं वो गर्म हो जाने चाहिए। आपको ध्यान देना है कि आपको मसालों को जलाना नहीं। एक बार आपके मसालों में से हल्की हल्की फ्रेग्रेंस आना शुरू हो जाए, मसाले थोड़े से गर्म हो जाए, तब लास्ट में मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। कसूरी मेथी ऐड करने के बाद बस हल्का सा मिक्स करना है और फिर इन मसालों को एक बोल के अंदर आपको ट्रांसफर कर देना है। बोल में ट्रांसफर करके इन मसालों को अच्छे से ठंडा कर लेना है। एक बार आपके मसाले ठंडे हो जाएं, तब इन मसालों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफर कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर मैं अभी आधा जायफल ग्रेट करके ऐड कर रहा हूँ। जायफल ऐड करने के बाद 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 चुटकी भर नमक ऐड कर दीजिए। अब इन मसालों को आपको साथ में पीस लेना है। मसालों को आपको बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा भी रख देंगे तो चलेगा, या कुछ मसाले थोड़े से खड़े भी रह जाएं तो वो भी चलेगा। बिरयानी मसाला इसी तरीके से आप पीस लीजिए। अब आप देख सकते हो मैंने मसाले को पीस लिया है, बीच में थोड़े थोड़े मसालों के टुकड़े आपको दिख रहे हैं। इसी तरीके से मसाले को पीसना है और हमारा होममेड बिरयानी मसाला रेडी हो गया। इस मसाले को एक एयरटाइट कंटेनर में आप स्टोर कर सकते हो और कम से कम 2 से 3 महीनों के लिए आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो होममेड बिरयानी मसाला भी रेडी हो गया है, बस 5-7 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। तो ज़रूर बनाओ ये वाला मसाला भी, बिरयानी की असली जान जो होती है ये गरम मसाला ही होता है, तो ज़रूर बनाना। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें चिकन को मैरिनेट करना है बिरयानी के लिए। तो चिकन को मैरिनेट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 किलो चिकन ले लिया है, इसमें लेग और थाई के पीस लिए हैं, आप अपने हिसाब से पीस ले सकते हैं। इसे एक बड़े से बोल में ऐड कर दीजिए। अब इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए, 1 नींबू का रस, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 3 हरी मिर्चों की पेस्ट, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1.5 टेबलस्पून बिरयानी मसाला जो हमने बनाया था अभी। अब इसके अंदर मैं 3 से 4 टेबलस्पून जो हमने प्याज फ्राई किया था वो वाला तेल ऐड कर रहा हूँ। अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, सारे मसालों को अच्छे से चिकन के ऊपर लगा लेना है। अब इस स्टेज पर आप चिकन को मैरिनेट भी कर सकते हैं ओवरनाइट। तो अगर आपको ओवरनाइट मैरिनेट करना है तो बिना दही और बिरिस्ता के ही इसको मैरिनेट कर दीजिए ओवरनाइट। अगर आप तुरंत बनाना चाहते हैं बिरयानी को तो इस स्टेज पर कुछ और आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं 200 ml दही ऐड कर रहा हूँ। दही को आपको अच्छे से फैट लेना है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दही को फैट के आप चिकन के अंदर ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसके अंदर अभी मैं बिरिस्ता ऐड कर रहा हूँ, जो बिरिस्ता हमने फ्राई किया था। ये बिरिस्ता का ऑलमोस्ट 80% बिरिस्ता मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, 20% बचा के रख रहा हूँ, बिरयानी को लेयर करते समय हम इसे यूज़ करेंगे। साथ ही में इसमें अभी मैं आलू ऐड कर रहा हूँ, आलू कम्प्लीटली ऑप्शनल है, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना और 1 मुट्ठी भर चॉप किया हुआ धनिया इसमें ऐड कर दीजिए। अब ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लीजिए कि सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे से मिल जाएं। अब इसमें थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए धुंगार दे रहा हूँ, तो जलता हुआ कोयला ले लीजिए, साथ ही में उसमें थोड़ा सा घी डालिए। घी डालते ही इसे ढक दीजिए। ढकने के बाद बस 2 से 3 मिनट के लिए आपको धुंगार देना है, हल्का सा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा और ये बिरयानी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। बिरयानी की अरोमा जो है वो बहुत ही अच्छी आएगी और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन आएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को निकाल दीजिए और ये जो कोयला रखा था इसे भी निकाल लीजिए। और अब हमारा जो चिकन है वो पकाने के लिए रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने बिरयानी के लिए मोटे तले की हांडी ले ली है। हांडी आपकी जो है वो मोटे तले का लीजिए, उसका जो बॉटम है वो एकदम थिक होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डाल रहा हूँ चिकन को पकाने के लिए। घी एक बार आपका अच्छे से गर्म हो जाए तब इसके अंदर आपको चिकन को ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद आप इसको स्टर करते हुए कुक कीजिए। इनिशियली आपको 5 से 6 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर ही कुक करना है, अच्छे से सियर करना है चिकन को। पाँच से छः मिनट हाई फ्लेम पर कुक करने के बाद आपको आंच को धीमा कर लेना है और ढककर चिकन को पकाना है।
चिकन को आपको बस 85-90% तक ही पकाना है, बाकी की जो कुकिंग है वो बिरयानी को जब हम लेयर करेंगे तब जो 10-15% चिकन वो स्टेज पर कुक हो जाएगा। चिकन को 85-90% कुक होने के लिए लगभग 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। आपके चिकन की क्वालिटी के हिसाब से टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो 85-90% जब तक आपका चिकन कुक हो जाए तब तक ढककर चिकन को पका लीजिए। तो अब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं चिकन हमारा किस तरीके से पका है। तो अब देख सकते हो चिकन से सारा जो फैट है, तेल है, घी है, वो छूट चुका है। चिकन भी जो है हमारा ऑलमोस्ट 85-90% कुक हो चुका है। इस स्टेज पर ही इस ग्रेवी को आप चेक कर लीजिए, यखनी हमारी बनी है उसे चेक कर लीजिए। नमक और मसालों के लिए थोड़ा सा नमक और मसाले तेज रहने चाहिए इस यखनी के अंदर। इस स्टेज पर आप आसानी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, बाद में मुश्किल हो जाएगा बिरयानी में नमक और मसाले डालने। थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो नमक मैंने ऐड कर दिया है। स्टर कर लीजिए अच्छे से और इस स्टेज पर आपको चिकन की हांडी की गैस को बंद कर देना है और चावलों की तैयारी कर लेनी है। चिकन की यखनी हमारी बन गई है, जो चिकन का मसाला है हमने बना लिया है वो रेडी हो गया है। अभी चावल बनाने, चावल बनाते टाइम कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो अच्छे से सुनिए सब चीज़ों को। उसी तरीके से आप चावल बनाइए तो आपकी बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चिकन जब मैंने पकाने रख दिया था तभी मैंने पानी उबलने रख दिया था, 10 मिनट लग जाते हैं पानी उबलने को। पानी को एकदम रोरिंग बॉयल पे, यानी कि एकदम अच्छे से उबलता हुआ पानी आपका होना चाहिए चावल ऐड करने से पहले। एक बार पानी आपका अच्छे से बॉईल होना शुरू हो जाए तब इसके अंदर 1-2 तेज पत्ते, 1 इंच दालचीनी, 1 टीस्पून शाहजीरा, 3-4 हरी इलायची, 4-5 लौंग, 1 चक्री फूल यानी स्टार एनीस, 3-4 साबुत काली मिर्च, 1-2 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 1/2 नींबू निचोड़ के उसका रस डाल दीजिए और साथ में छिलका भी ऐड कर दीजिए। इससे रंग जो है चावल के सफ़ेद होते हैं और खुले खुले चावल आपके बनते हैं। साथ में टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। नमक आपको इतना ऐड करना है कि आपका जो पानी है वो एकदम खारा, जैसे समुंदर का पानी होता है वैसे टेस्ट आना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने 1/2 किलो चावल, यानी कि 1/2 किलो चिकन के लिए बराबर के चावल लिए, बासमती चावल लिए। इसे मैंने अच्छे से 3-4 बार धोने के बाद 1 घंटे के लिए अच्छे से पानी में सोक करने रख दिया था। आपको चावल को 1-1.5 घंटे के लिए बस सोक करना है और उसके बाद पका देना है। 1 घंटा जब आप चावल को सोक करेंगे तो आपके चावल एकदम खिले खिले और एकदम बेहतरीन बनेंगे। तो अब जो पानी है चावल का उसको निकाल दीजिए और चावल को गर्म पानी में ऐड कर दीजिए पकाने के लिए। चावल को हमें अभी 90% जब तक चावल नहीं कुक हो जाता है तब तक कुक करना है। आपने अगर 1 घंटे के लिए चावल को अच्छे से भिगो के रखा है तो बस 4-5 मिनट में ही आपके चावल जो है 90% कुक हो जाएंगे। यहीं ध्यान से आप देखिए, ज़्यादा आपको स्टर नहीं करना है चावलों को, नहीं तो फिर भी चावल टूट जाते हैं। ज़्यादा करछी मत चलाइए, हल्का सा आपको मिक्स करना है, 4-5 मिनट में चेक करना है। हल्का सा जो आपका चावल है उसमें बाइट रहेगी, वो स्टेज पर चावलों को आपको निकाल लेना है। अभी बस 4-5 मिनट हुए हैं, चावल मेरे एकदम परफेक्टली 90% कुक हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले लग रहे हैं। एक स्पाइडर की मदद से चावलों को निकाल लीजिए। चावलों को निकालने के बाद एक खुली परात के अंदर ये चावलों को आपको फैला कर डाल देना है। चावल को परात में डालने के बाद अच्छे से फैला लीजिए और बस 5-10 मिनट के लिए आपको चावलों को ऐसे ही रहने देना है। हल्का सा फोक की मदद से थोड़ा सा फ्लफ अप कर लीजिए, जिसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो निकल जाएगा। इस स्टेज पर आपको नींबू को निकाल देना है और थोड़े खड़े मसाले भी अगर आपको निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं। अगर बिरयानी में खड़े मसाले आपको नहीं पसंद है तो एक पोटली में भी खड़े मसाले डालकर आप ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस 5-10 मिनट के लिए चावल को रेस्ट होने देते हैं। चावल एक बार आपके रेस्ट हो जाएं तो बिरयानी को भी लेयर कर सकते हैं। बिरयानी को लेयर करने के लिए पहले तो हांडी के नीचे जो आपका चिकन है उसको अच्छे से फैला लीजिए। आपके जो पीसेज हैं अच्छे से वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। वो करने के बाद थोड़ा सा इस पर कटा हुआ धनिया ऐड कीजिए, साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ पुदीना ऐड कर दीजिए, 1 चुटकी भर बिरयानी मसाला और थोड़ा सा बिरिस्ता जो हमने बचा के रखा था उसमें से थोड़ा बिरिस्ता भी इस पर फैला कर डाल दीजिए। अब इसके ऊपर आपको बॉईल किए हुए राइस ऐड करने, तो एकदम हल्के हाथों से चावल को उठाइए और इसमें ऐड कीजिए। चावल इस स्टेज पर भी टूट जाते हैं कई बारी, तो एकदम हल्के हाथों से चावलों को ऐड करना है। सारे चावल आपको ऐड कर देने। चावल ऐड करने के बाद अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए और फिर इसके ऊपर कुछ और चीज़ें डालनी है। तो यहाँ 3-4 टेबल स्पून गर्म किया हुआ घी मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। अच्छे से फैला फैला कर आपको घी ऐड करना है। अब यहाँ पर मैंने एक झोल तैयार कर रखा है पानी, दूध और केसर का। इससे अच्छा रंग आ जाएगा, अच्छी महक आ जाएगी, अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। ये झोल को भी आप फैलाकर अच्छे से बिरयानी के ऊपर ऐड कर दीजिए। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना
और थोड़ा सा बिरिस्ता जो हमारा बचा हुआ था वो ऊपर से डाल दीजिए। अब हमें बिरयानी को दम देना है, उसके लिए ढक्कन लगाना है। यहाँ पर मैं एक गीले मलमल के कपड़े को ऐसे गोल घुमाकर रिम के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पर आप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ढक्कन लगा दीजिए और थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर दीजिए। अब इस तैयार की हुई हांडी को हमें एक तवे के ऊपर रखना है, तो एक तवा ले लीजिए और इस हांडी को ऊपर रख दीजिए। अब आपको एक वजनदार चीज इसके ऊपर रखनी है। यहाँ पर मैं हमाम दस्ता जो होता है उसको रख रहा हूँ, आप एक पानी भरा टोप भी रख सकते हैं। हांडी को ऊपर रखने के बाद गैस को चालू कर दीजिए और 5 मिनट के लिए आपको तेज आंच पर ही इस बिरयानी को दम देना है। एक बार 5 मिनट हो जाए उसके बाद गैस को एकदम धीमी कर दीजिए और एकदम मंद आंच पर अब 10 से 15 मिनट के लिए इस बिरयानी को आपको दम देना है। 10 से 15 मिनट बाद आपकी बिरयानी एकदम परफेक्टली रेडी हो जाएगी। एक बार 10 से 15 मिनट हो जाए तो गैस को बंद कर दीजिए और मिनिमम 10 मिनट के लिए आपको इस बिरयानी को इसी तरीके से रेस्ट होने देना है। डायरेक्टली नहीं खोलना है, रेस्ट होने दीजिए तो ही आपकी बिरयानी अच्छे से बनेगी। रेस्ट देने के बाद इस बिरयानी को आप परोस सकते हैं। तो हमारी चिकन बिरयानी को हमने दम दे दिया है, रेस्ट करने भी रख दिया था, रेस्टिंग फेज भी हो गया है। बस इसे खोलते हैं ढक्कन को, देखते हैं हमारी बिरयानी कैसे बनी और इसे सर्व कर लेते हैं वाईएफएल स्टाइल। चिकन दम बिरयानी हमारी बन गई है और क्या चिकन बिरयानी बनी है, क्या अरोमा रही है ये किचन के अंदर। एक एक दाना खिला खिला बनाया चावल का। तो सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करो और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। रमज़ान भी चल रहे हैं तो ये बिरयानी की रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। स्विगी इंस्टामार्ट पे इफ्तार के लिए काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट्स, बेवरेजेस, नमकीन और बहुत सारी चीज़ें जो कुछ ही मिनट्स में आपके घर पे डिलीवर हो जाती हैं। यू कैन ऑल्सो यूज़ माई प्रोमो कोड IMYFL एंड गेट ₹70 ऑफ अबव ऑर्डर्स वर्थ 199 ऑन योर फर्स्ट परचेज। लिंक इज मैंशनड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ऑर्डर फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट और ये ज़रूर रेसिपी ट्राई करो एंड कमेंट्स में मुझे बताओ। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटिफुल चिकन दम बिरयानी रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।